इंडिया गेट, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। और आपको क्या ये पता है इंडिया गेट कब और क्यों बनाया गया? बता दें, इंडिया गेट सन 1921 में बनना शुरू हुआ और 12 फरवरी 1931 को बनकर पूरा तैयार हुआ। इंडिया गेट को भारत के 70,000 बहादुर सैनिकों के याद में बनाया गया जो पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। बता दें कि ये सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। इंडिया गेट पर 13,000 से भी ज़्यादा सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन नामों को पढ़ भी लेंगे। इंडिया गेट भारत का सबसे बड़ा वार मेमोरियल माना जाता है। पहले इंडिया गेट के नीचे से ट्रैफिक को आने जाने की परमिशन थी, पर बढ़ती आबादी की वजह से इसको बंद कर दिया गया। बता दें कि इंडिया गेट की लंबाई 42 मीटर यानी 138 फीट है, जिसे राजस्थान के भरतपुर के फेमस पत्थरों से बनाया गया है। इंडिया गेट का टोटल एरिया 3,06,000 स्क्वायर मीटर है और इस परिसर के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन भी है, जिसे राजपथ मार्ग भी कहा जाता है। इसी राजपथ पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े बड़े सैन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। थैंक यू।